सो हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियल स्टेट में हाजिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज की वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर जो कि रेजिडेंशियल का सेक्टर है गामा फर्स्ट के बारे में। गामा फर्स्ट की कुछ शॉर्ट क्लिप्स हमने इस वीडियो में एड ऑन की हुई है जो आगे आपको देखने को मिलेगी, तो जो आपके करंट की सिचुएशन वहाँ की आप देख सकते हो अपनी इसी वीडियो के अंदर। साथ ही आपको वहाँ की बेसिक फैसिलिटीज़ और क्या क्या कनेक्टिविटी हो सकती है इन सारी चीज़ों को एक शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव दोनों होने वाली है, तो आप एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गामा फर्स्ट सेक्टर की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो आपको बताते चले कि प्राधिकरण का सबसे स्टार्टिंग का अलॉट हुआ ये सेक्टर है गामा फर्स्ट, इसलिए आज के टाइम पे यहाँ पे 90 से 95% की ऑक्युपेंसी आपको देखने को मिल जाती है। गामा फर्स्ट की परिचौक डिस्टेंस भी काफ़ी कम है, मात्र 3 किलोमीटर के दायरे में आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसके पास मेट्रो स्टेशन के भी ऑप्शन आ जाते हैं, आपका अल्फा फर्स्ट है या फिर परिचौक मेट्रो स्टेशन है, दोनों इसके नियर में आता है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आप इन दोनों ही मेट्रो स्टेशन को यहाँ से कवर कर सकते हैं। बात की जाए गामा फर्स्ट सेक्टर की, तो यहाँ पे आपको मिलती है गेटेड सिक्योरिटी विद बाउंड्री वॉल। साथ ही साथ आपको बताते चले कि गामा फर्स्ट सेक्टर के अंदर ही ग्रेटर नोएडा की वन ऑफ द फेमस मार्केट जगत फार्म मार्केट भी आपको देखने को मिल जाती है। ग्रीनरी सेक्टर में आपको भरपूर देखने को मिलेगी, हर एक तरह से कह सकते हैं ब्लॉक में आपको पार्क है, ग्रीन बेल्ट है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही बात की जाए इस सेक्टर के अंदर की फैसिलिटी की, तो फैसिलिटी में आपको यहाँ पे मिल जाता है कम्युनिटी सेंटर जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को वहाँ पे छोटे मोटे इवेंट्स या ओकेजन के लिए फुलफिल करता है। इसके साथ ही साथ इसी सेक्टर के अगर हम आउटर रिंग रोड की बात करें, तो आउटर की रोड में आपको यहाँ से 60-60 मीटर की 3 साइड में रोड देखने को मिलेगी, और इसके फ्रंट की जो फेसिंग है वो सूरजपुर कासना रोड जो कि 80 मीटर की वाइड रोड है वो इसकी बिल्कुल फ्रंट की फेसिंग में आ जाती है। तो ये फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ ही इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े पार्क वगैरह भी डेवलप हैं और मेंटेन हैं। साथ ही फैसिलिटी में यहाँ पे इसी सेक्टर के अंदर 2 प्ले स्कूल आपको मिल जाते हैं, प्रज्ञान पब्लिक स्कूल भी इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही सेक्टर के अंदर प्राधिकरण द्वारा बनाई गई मार्केट भी है जो कि आज के टाइम पे डेवलप्ड है, वो भी पूरी आपको रनिंग कंडीशन में मिल जाती है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले संजीवनी हॉस्पिटल भी आपको इसी सेक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। LG कंपनी इसके जस्ट अपोजिट में आपको देखने को मिल जाती है, ज्वाइनिंग बिल्कुल लगी हुई है इसके साथ ही इसी के अंदर आपको गिनेडा ऑफिसर्स सोसाइटी भी कॉलोनी बेसिकली इसके अंदर देखने को मिल जाएगी सेक्टर में ही। तो इस तरह से ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, यानी कि मार्केट हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सारी फैसिलिटी आपको सेक्टर में ही मिल जाती है। बाकी सेक्टर में ही आपको बहुत बड़ी मार्केट जगत फार्म है वो मिल जाती है, मीन्स बेसिक जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी वो यहाँ फुलफ़िल होती है। ऑक्युपेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आज के टाइम पे चीज़ें मिलना भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे आप रहने का अगर प्लान कर रहे हैं, तो आपको अब हम बता देते हैं कि साइजेस आपको कौन कौन से मिल जाएंगे और आप किस किस साइजेस में यहाँ पर मूव कर सकते हैं। बात की जाए साइजेस की, तो 60 स्क्वायर मीटर, 120 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, 275 स्क्वायर मीटर और साथ ही साथ 350 स्क्वायर मीटर के भी साइजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इन किसी भी साइजेस में आप यहाँ पे जा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बता दूंगी एक तरह से, कि यहाँ पे जो छोटे साइज़ के प्लॉट है 60 स्क्वायर मीटर में बेसिकली मान के चले, या फिर इसके ऊपर 120 मीटर में, यहाँ पे ज़्यादातर आपको सिंगल स्टोरी मिलेगा। 60 मीटर में तो आप लगभग मान के चले कि आपको सिंगल स्टोरी मिलता है, कंप्लीशन हाउस बहुत रेयर मिलेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे फिर 120 मीटर में आप जाते हैं तो सिंगल स्टोरी है या फिर 2 स्टोरी है वो मिलेगा, बहुत रेयरली आपको कंप्लीशन यहाँ पे मिलता है। तो इन किसी भी साइजेस में आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। साथ ही अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेस ऑफ परचेजिंग की, तो सेम प्रोसेस पूरे ग्रेटर नोएडा में फॉलो किया जाता है ट्रांसफ़र एंड देन उसके बाद रजिस्ट्री का। ट्रांसफ़र में जो आपको फॉलो करना पड़ता है मेन प्रोसेस जो होता है वो होता है TM चार्ज का, जो आपके मेन खर्चे होते हैं। तो TM के जो मेन खर्चे हैं वो आपका ट्रांसफ़र चार्ज का होता है। ट्रांसफ़र चार्ज यहाँ पे लगता है 1122 रुपये आपके पर स्क्वायर मीटर का, जो कि आप पे करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मेमोरेंडम के लिए। इसके साथ ही कुछ इसमें मिसलिनियस चार्जेस भी होते हैं, वो उस टाइम पे जब आप अपनी प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे तब आपको एडवोकेट द्वारा बताए जाएंगे।
इसके साथ ही साथ जब आपका टीएम लेटर आ जाता है तो होती है आपके प्लॉट की रजिस्ट्री, जो कि आप अपने प्लॉट के लिए कराते हैं। रजिस्ट्री में मेन जो पार्ट होता है वो होता है स्टैम्प ड्यूटी का। यहाँ पे आपको 5% की स्टैम्प ड्यूटी और 1% की रिसिप्ट यहाँ पे देनी होती है, जो कि लगभग 6% के आसपास की आपकी स्टैम्प ड्यूटी जाती है, जिसमें आप मान के चलिए कि इस स्टैम्प ड्यूटी की जो कॉस्टिंग आती है वो कैलकुलेट की जाती है सर्कल रेट से। सर्कल रेट इस सेक्टर का जो होने वाला है वो है 44,850 रुपये का, इसी से आपकी स्टैम्प ड्यूटी जाएगी। इसके साथ इसमें भी कुछ मिसलिनियस चार्जेस होते हैं, वो आपको रजिस्ट्री के टाइम पे बता दिए जाते हैं। वो छोटे पार्ट्स होते हैं, बहुत कम से चार्जेस होते हैं। जो मेन बड़ा खर्चा है वो आपका ट्रांसफ़र रजिस्ट्री का, यही दो है, स्टैम्प ड्यूटी का और ट्रांसफ़र चार्ज का। इन तीनों चीज़ों को आप फॉलो करके यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। बैंक लोन किसी भी बैंक से आप करा सकते हैं, बैंक फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप बैंक लोन लेके किसी भी साइज़ में यहाँ पे आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे ग्रेटर नोएडा में भी प्रॉपर्टी की वैल्यू लगभग पिछले 2 से 3 साल से बढ़ती चली जा रही है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑक्यूपेंसी भी होने लगी है, एंड यूज़र भी आ रहे हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि अगर आप प्लान कर रहे हैं, कुछ हमारे पास ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने परचेजिंग नहीं करी है और रेट में वेरिएशन उनको देखने को मिल रहा है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि रेट इसी तरह से अभी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा इस पूरे एक शहर को ऑक्यूपाइड होना है और अभी इसमें काफ़ी स्पेसेस हैं। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे अभी 50-60% की भी ऑक्यूपेंसी है। इस पूरे शहर की मैं बात करूँ अगर ग्रेटर नोएडा की, तो आज के टाइम पे अभी भी जो चीज़ आपको मिली वो एक बहुत अच्छे और रिलायबल रेट पे मिल रही है। अगर इसी तरह से आप वेट करते रहे, साल दो साल आपने और वेट कर लिया, तो यहाँ पे भी चीज़ें परचेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि दिल्ली और नोएडा का हाल है। तो इसलिए अगर आपकी कोई भी प्लानिंग है तो आप अभी इसको इम्प्लीमेंट करिए, इस पर अभी वर्क करिए। जो भी आप परचेज करना चाहते हैं, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है जिस भी एक्स अमाउंट की, उसके लिए आप प्लानिंग करिए, हमसे कॉन्टैक्ट करिए, स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर को फॉलो करके जो भी बेस्ट हो सकेगा वो हम आपके लिए सजेस्ट करेंगे, चाहे वो ग्रेटर नोएडा में हो या फिर आपकी यमुना की कोई प्लानिंग है। तो इन दोनों ही शहरों के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।